हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर बार की तरह इस बार भी हमजा मुगल फिटनेस में आपको मैं हमजा मुगल आज सिखाने जा रहा हूं कुछ न्यू टिप्स। और वो टिप्स किस हवाले से हैं, वो है सबका फेवरेट वर्कआउट, आर्म वर्कआउट। जी हाँ, बाजू का वर्कआउट हम करेंगे घर में, कि आप घर में अपने बाइसेप्स को एक्टिवेट कर दें बहुत ज़्यादा। कैसे एक्टिवेट करेंगे अपने आर्म्स को आप घर के अंदर, वो मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप इस वर्कआउट को अच्छी तरह सीख सकें। लेकिन उससे पहले आपको जो बटन दिख रहा है रेड कलर का, इस पर क्लिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो बिना किसी वेट के हम अपनी लर्निंग क्लासेस शुरू करते हैं कि आर्म्स कैसे आप बिल्ड करेंगे घर के अंदर। तो चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। सो गाइज, हमारी जो फर्स्ट मूवमेंट होगी वो है वाइपर बारबेल कर्ल। जी हाँ, इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, वो है एक अदद स्कूल बैग और एक वाइपर। तो स्कूल बैग के अंदर आप ऐड करेंगे कुछ बुक्स, हैवी बुक्स ऐड कर दें अगर हों तो, वरना आप बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर बॉटल्स। और वाइपर आपके पास अगर छोटा भी हो तो वो भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर ख्याल करना है उसका, कि आपकी एल्बोज स्विंग ना हो, एल्बोज आपकी एक ही जगह रहें ताकि आपको फुल कॉन्ट्रैक्शन फील हो इस बाइसेप बारबेल कर्ल के ऊपर। इट्स वेरी बर्निंग, ट्राई दिस वन। ओके गाइस, द नेक्स्ट वन इज बाइसेप वन आर्म कर्ल। तो वन आर्म कर्ल के अंदर भी आपने अपने बैक के अंदर उतना वेट डालना है कि जितना आप लिफ्ट कर सकें। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें, जितना आप लिफ्ट कर सकें, और एल्बोस कंट्रोल में, एल्बोस कंट्रोल में रहें। आप जितना लिफ्ट कर सकते हैं आपने उतना वेट ऐड करना है अपने बैक के अंदर। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो नो प्रॉब्लम, नो इशू, आपने पीछे इसके बैग के अंदर आपने बॉटल्स ऐड कर लेनी है, वाटर बॉटल्स, जिसका वेट भी अच्छा खासा होता है क्योंकि वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग वाली एक्सरसाइज मैं कहूँगा, जो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई इसको करते हुए। जो हम अक्सर जिम में 1-2 डंबल्स करते हैं, वो यहाँ इससे आप करें घर पर। सो आवर नेक्स्ट मूवमेंट इज ट्राइसेप मूवमेंट। ट्राइसेप मूवमेंट है जिसको हम पुश डाउन भी कहते हैं। तो इसमें आपने बैक के अंदर सेम उतना वेट डालना है जितना आप लिफ्ट कर सकें, और जब आप अपनी एल्बोज नीचे लेके जाएं तो आपने नीचे स्प्लिट सेकंड रोकना है नेगेटिव्स पर, ताकि आपके ट्राइसेप के ऊपर लोड आए। ट्राइसेप ऐसा कर लेना है अपने पत्थर की तरह, फुल हार्ड आपने ट्राइसेप करके इसे लगाना है, ताकि ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्शन ऐसी हो कि आपको मज़ा आ जाए लगाने में। और अपनी एल्बोस का खास ख्याल रखें इस मूवमेंट में भी। ट्राइसेप एंड बाइसेप ऑल डिपेंड्स ऑन एल्बोस मूवमेंट। एंड द अदर वन इज ओवरहेड। ओवरहेड डंबल्स आपने लगाए होंगे ट्राइसेप्स के जिम में, तो इसी तरह आपने बैग के अंदर वेट ऐड करके अपनी एल्बोज एक जगह रख कर आपने ओवरहेड बैक मूवमेंट लगानी है। अच्छी तरह आप कॉन्ट्रैक्शन करके नीचे लेके जाएं, बैक को हाफ ना लेके जाएं, और ऊपर उठाएं पैर अच्छी तरह से, ताकि आपका जो ये आपका हेड है ट्राइसेप का, लॉन्ग हेड, इसके ऊपर बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको। गाइस, आई गारंटीड कि आप ये ट्राई करें, बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको इस पर। ठीक है, अब हमारी मूवमेंट जो है वो है बाइसेप की क्लोज ग्रिप, द वेरी फेमस मूवमेंट इन बाइसेप वर्कआउट। इस ग्रिप के अंदर आपने दोनों एल्बोज जो है आगे की तरफ रखनी है, थोड़ी सी आगे अपनी रिप्स, अपनी जो आपकी पसलियां हैं इस तरफ रखनी है आपने अपनी एल्बोज, और स्लोली आप नीचे लेके जाएं। वाह, इस तरह से स्लो नीचे लेके जाएं और स्लोली आप ऊपर लेकर आए। आपकी जब वेन फड़फड़ाएगी तो बस आपके बाइसेप के अंदर, मैं क्या कहूँ कि आपके बाइसेप में फायरिंग हो जाएगी एकदम, इतनी आपको बर्निंग फीलिंग आएगी। अब ट्राई करें इसमें, बैग में आप अच्छा वेट ऐड करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी फीलिंग आई इसमें। ओके, अब हम करेंगे वन आर्म कंसंट्रेशन कर्ल।
ये तो बहुत ज्यादा फेमस एक्सरसाइज है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बाइसेप पीक के लिए। इसमें आप एल्बो अपनी नी के ऊपर भी सपोर्ट ले सकते हैं एल्बो से, बट अगर आपने इसे थोड़ा प्रो है ठीक है ना, आप अगर थोड़े प्रोफेशनल हैं तो आप विदाउट सपोर्ट आप इसे लगा सकते हैं। इससे बहुत ही खतरनाक फीलिंग आई है, बहुत खतरनाक इससे कॉन्ट्रैक्शन फील होगी आपको। आपने अगेन वेट उतना रखना है जितना आप उठा सकें। आप ये चेक कर सकते हैं क्या पंप आए। तो गाइस वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, बहुत ज़्यादा बर्निंग वर्कआउट था ये। अभी तक मेरी सांस जो है वो फूल रही है क्योंकि 3-3 सेट्स हैं सबके और रेपिटेशन भी अच्छी है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ वर्कआउट के अंदर। तो आपको किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन फील होगा अगर आप सही वर्कआउट करेंगे, आपने स्विंग नहीं करने अपने आर्म्स जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो आप ये वर्कआउट ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वर्कआउट कैसा लगा, और आपकी और कोई क्यूरीज हो आर्म के हिसाब से और चेस्ट एवरीथिंग जो भी आप वर्कआउट करते हैं उसके हवाले से आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझसे पूछिएगा, शायद उसका जवाब मेरे पास हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल में नए हैं, और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।